हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब इसको साथ साथ मेरे बनाएं और इसको अच्छे से सीखें। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से ये बना लीजिए आप। इसके बाद एक 90 डिग्री बनाएंगे हम। ये इसे हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब कोई भी लाइट, मान लो यहाँ पे कोई बल्ब है या सूरज है, इसकी लाइट अगर आ रही है यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो आने वाली लाइट है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब आपको लगता है ये तो सर यहाँ से टकराने के बाद सीधी चली जानी चाहिए, है ना? लेकिन ये सीधा नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इस तरीके से जो रे सीधी जानी चाहिए थी वो यहाँ इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इससे टकराने के बाद इधर मुड़ जाती, इधर न जाके इधर मुड़ जाती इस साइड में नॉर्मल की तरफ। इसको बोलते हैं नॉर्मल, NORMAL। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे एक और नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये रे बिल्कुल सीधे जाएगी ऐसे, लेकिन ये सीधे नहीं जाने वाली, ये नॉर्मल से अवे, अवे मतलब दूर हट जाएगी ऐसे, इस तरीके से। तो पहले रे जिसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई, फिर टकराने के बाद ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, सीधे ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर नेक्स्ट एज पे एक और नॉर्मल आया, अब यहाँ से सीधे ना जाके दूर हो गई। तो कोई भी लाइट एयर से अगर ग्लास में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और ग्लास से एयर में दोबारा जब एंटर करेगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसे बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको हम ओ ए बोल देंगे, इंसिडेंट रे। ए बी हमारा है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ए बी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। और बी सी क्या है? इमरजेंट रे। ओके, ये हमारा नॉर्मल है एन एन डैश और एम एम डैश हमारा नॉर्मल है। ओके, अब ये जो इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे, दोनों ही आपस में पैरेलल होती हैं। ओके, पैरेलल, और इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दोनों पैरेलल होंगे और इनका जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इमरजेंट के बीच जो एंगल होता है एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। ओके, अब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इमरजेंट रे का एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।